दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपिक क्लासेस से। तो दोस्तों आज का जो है मेरा वीडियो है अर्ली ब्लाइट के बारे में है, जो कि पोटैटो में लगता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है ना पोटैटो का साइंटिफिक नाम जान लेते हैं क्या है। तो इसका साइंटिफिक नाम जो हो जाएगा सोलेनम ट्यूबेरोसम। और इसका जो है फैमिली हो जाएगा सोलेनेसी। सोलेनेसी हो जाएगा। तो चलिए, तो यह रोग सबसे पहले कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मुख्यतः जो यह रोग है, मतलब आलू की जहां भी, मतलब पूरे संसार में जहां जहां भी खेती होती है यह रोग पाया जाता है। तो चलिए हम इनके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं, जो इसका सिम्टम्स है क्या होता है। तो चलिए हम एक चित्र के माध्यम से जानते हैं। हम इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो यह रोग है जो है दोस्तों, आलू बोने के लगभग 20 से 25 दिन बाद लगता है। तो चलिए हम इसके सिम्टम्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो इसमें सिम्टम्स है, इसमें जो है ब्लैक स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं, जो है धब्बा बनना शुरू हो जाता है, जगह जगह जो है धब्बा बन जाता है। फिर उसके बाद जो है ना पत्तियां फटने लगती है, फटने के बाद जो है उसके बाद यह सूख जाता है। तो चलिए यह किसके कारण होता है हम यह जान लेते हैं। इसका कॉज एंड ऑर्गेनिज्म क्या है, पैथोजन। चलिए हम इसके पैथोजन के बारे में जान लेते हैं। तो जो इसका पैथोजन है अल्टरनेरिया, इसका जो पैथोजन है अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण जो है यह रोग लगता है। और इसका दो टाइप होता है, जो है एक लेट ब्लाइट भी होता है, उसका हम अगले पार्ट में बताएंगे। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं अल्टरनेरिया जो है अर्ली ब्लाइट के बारे में। तो जो इसका पैथोजन है अल्टरनेरिया सोलेनाई है। तो चलिए हम अब इसका जो है यह फंगस द्वारा, यह रोग फंगस द्वारा लगता है। तो चलिए इसका हम जो है आप कंट्रोल देख लेते हैं। कंट्रोल क्या है इसका, हम आप कंट्रोल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो केमिकल का नाम है डाइथेन M45 और एक और केमिकल का नाम है डाइथेन Z78। इन दोनों में से कोई भी दवा लेकर 3 kg प्रति 1000 लीटर में जो है इस घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। और एक है मेटालेक्जिल और कार्बेंडाजिन, मतलब जितने भी प्रकार के जो फंगिसाइड है आप उनका जो है 0.3% का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एवं वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।